खबर रीवा से है, जहां निरीक्षण के दौरान छात्रावास बंद पाए जाने, विधिवत संचालित ना करने, प्रवेशित छात्रों की ऑनबोर्डिंग तथा प्रोफाइल पंजीयन पूर्ण ना करने पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग के संयोजक ने 10 छात्रावास अधीक्षकों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत होने एवं सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिला संयोजक ने बताया कि अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास खुटाहा के अधीक्षक एवं जूनियर बालक छात्रावास फरहदा के अधीक्षक रंगनाथ तिवारी, बालक छात्रावास देव तालाब के अधीक्षक उमेश कुमार साकेत, छात्रावास ढेरा के अधीक्षक संदीप कुमार श्रीवास्तव, छात्रावास खैरा के अधीक्षक महेंद्र सिंह गहरवार, कन्या छात्रावास देव तालाब की अधीक्षिका आरती साकेत, कन्या छात्रावास मऊगंज की अधीक्षिका ललिता साकेत, बालक छात्रावास मऊगंज के अधीक्षक ऋषिकेश पांडे, बालक आश्रम जोरौट के अधीक्षक सूर्यपाल पटेल एवं कन्या छात्रावास भीर की अधीक्षिका तारावती वर्मा को सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।